अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये देखिए, दोपहर का 3:30 से 4 बज रहा है और ये देखिए हम लोग चल दिए हैं अपने नानी के घर, यानी अपने ननिहाल। तो ननिहाल या ददिहाल वर्ड ऐसा ही होता है, एक अजीब सी खुशी आ जाती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, दिल में एक चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, एक एक्साइटमेंट हो जाता है। तो हमारा जो ननिहाल है वो कौशाम्बी की तरफ है, यानी मुरदगंज, और उसके आगे एक गांव पड़ता है धन्नी, तो वहां पर है। खैर, नानी हमारी तो अब नहीं रही हैं, मामू, बड़े मामू का भी इंतकाल हो गया है, नाना की भी डेथ हो चुकी है, छोटे मामू की फैमिली और बड़े मामू की फैमिली है वहाँ पे। तो आज जन्माष्टमी की छुट्टी थी और साथ में फ्राइडे भी था, तो दोपहर के बाद काम कम था, तो बस रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए। और उससे थोड़ा सा आगे हाईवे पे हमारा एक प्लॉट भी है, तो ये हुआ कि वहाँ तक चलते हैं और फिर वहाँ से वापस होते हुए वहाँ भी हो लेंगे, यानी अपने मामू के पास भी। तो ये हम पहुंच गए हैं मुरदगंज। मुरदगंज धन्नी से पहले का एरिया है, मतलब छोटा सा, इसे आप टाउन एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके थे और यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी मिठाई की शॉप है, तो यहाँ से हम कुछ स्वीट्स ले रहे थे। और जन्माष्टमी की वजह से यहाँ पर मेला लग रहा है, कल यहाँ पे दधिकांदों का मेला है जो जन्माष्टमी के बाद हर एरिया में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही पुरानी शॉप है, हम अपने बचपन से शॉप पर आ रहे हैं, जब भी यहाँ आते थे छोटी सी हुआ करती थी, आज तो बहुत डेवलप हो गई है। और यहाँ पे बच्चों ने फर्स्ट टाइम इस तरह से ये इमरती बनानी देखी, बहुत एक्साइटमेंट था बच्चों को ये देखने का, और बच्चों को देख करके बहुत मज़ा आया। और ये मेरी नानी का भी घर है और मेरी माँ की भी नानी का घर है। नाम बताइए आपका। विक्रेश कुमार। क्या नाम है दुकान का? श्री कृष्ण कुमार। तो मेले के वजह से यहाँ पे बहुत रश है चारों तरफ, आपको लाउड स्पीकर लगे हुए तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ लगे हुए हैं शॉप पर, गाने बज रहे हैं, चल रहा है। पहले ये बहुत छोटा सा एरिया हुआ करता था और छोटी छोटी शॉप हुआ करती थी, अब तो बहुत ही डेवलप हो गया है, लगी पापा सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती हैं। तो बस वहाँ से अब हम आगे बढ़ गए हैं और ये है हमारी नानी का घर हमारे राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमें बाहर मामू बैठे नज़र आ गए हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं जहाँ पर हमने अभी आपको बताया था हमारा एक प्लॉट है। तो ये हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, वैसे ये अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन बीच बीच में हम लोग आ जाते हैं। हाईवे से जुटा हुआ है ये प्लॉट और यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे खड़े होके आलिया ने फोटो शूट कराई। और फिर यहाँ से वापस हम चलते हैं मामू के पास। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे मामू की फैमिली है, बड़े मामू की, और ये छोटे मामू बैठे हुए हैं यहाँ पे।
रुक जाइए। और हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग तो अंदर बातें कर रहे थे और यहाँ पे आलिया ने हमारी कजिन के साथ फुल एंजॉय किया, तजिया भी उनके साथ थी। पकड़ो आलिया पकड़ो। ये तो हमने बाद में वॉइस ओवर करते वक्त ये सारी चीजें देखी। आलिया अभी तुम लोग ही क्या, मन तो कर रहा है ले लो। और जैसे हम बचपन में आते थे और इस तरह से पूरा मस्ती से करते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक डेढ़ घंटे में आलिया ने सब कुछ कर लिया। नहीं, तंजिया भी साथ में है, तंजिया को बार बार भूल जाते हैं उनका नाम लेना। और जब हम ये वीडियो देख रहे थे तो हमें हमारा बचपन याद आ रहा था। नानी हुआ करती थी, नाना हुआ करते थे, बड़े मामू थे, बड़े मामू की बेटियां थीं, पूरा घर भरा रहता था। ये अमरूद का पेड़ है, इतने अमरूद इसमें लगे थे, सारे बंदर खा रहे हैं। ओ, तो बंदर आते हैं क्या? अमरूद दिख जा कोई। और इसके आसपास जितना भी एरिया था ये पूरा, अरे बाप रे, हमारे नाना की ही जमीन थी। अब तो धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया, थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है। एक आलिया को हमेशा से बहुत ये था कि हमें पेड़ पे चढ़ना, और आज आलिया ने अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली। आराम से आराम से। और तंजिया क्यों पीछे रहती भला? मुझसे कम लेकिन चढ़ पाई, कोई बात नहीं। तो ये व्यू मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के ले रही हूँ, वाओ। मैं कैसे खड़ी हूँ, एक पैर इधर एक पैर इधर। ओहो, ये आलिया क्या कर रही है? अरे नहीं गिरेगी भाई। चलो दादो, ओवर एक्टिंग मत करो। चलो चलो, अरे नहीं गिरोगी। करते हुए देख के मेरे पैरों से पसीने आ रहे हैं। यस आलिया, यू कैन डू इट। हाउ इज द जोश आलिया? नॉट हाई, नॉट हाई, वेरी लो। लग रहा है आलिया कैसे ये कर रही है। हाय आलिया। और तंजिया भी साथ में लगी हुई है। बचपन में तो सोचना भी नहीं पड़ता था कि कहाँ चढ़ना है, कहाँ कूदना है, कहाँ फादना है। बाप रे, ओहो, ये तो आराम से चल गई, कोई फर्क नहीं आ रहा हमारे बिना इन लोगों ने। अरे अरे आ जाइए आ जाइए। क्या क्या किया। ओ वाह, अगर हम साथ में होते तो इन्हें कुछ भी ना करने देते शायद। पर ये सब हम खुद भी बचपन में करते थे, तब माँ साथ नहीं रहती थी हमारे। तो ये हम आपको बता रहे थे, ये सारा एरिया जो है ये सब हमारे नाना का ही है। चाहे उस वो नहीं है, ये आप देख रहे होंगे ये घर, ये हमारी अम्मी के कजिन का है जो अलीगढ़ में रहते हैं, पर छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। कैसी है फैमिली? क्या मामी के साथ ही आते हैं, बच्चे तो सब बाहर हैं, कूद के नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे आजकल वो आए हुए हैं, तो नीचे उनकी बहू है आलिया। चली नहीं जाना नीचे। बाप रे आलिया इतने ऊपर कहाँ बैठी हुई है, यहीं बैठ के। हम भी अपने कजिन के साथ यहाँ पे बैठा करते थे। और सामने ये मेन रोड है। आलिया अगर कुछ तुम चली गई। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। कितने खुश हैं बच्चे। चलो
तो आप देख सकते हैं कि आलिया पागल हो चुकी है। एक डेढ़ घंटे में ही बच्चों ने सब कुछ कर लिया। धीरे धीरे टाइम कितनी जल्दी बीत जाता। फिर मैं नीचे उतरूं। मतलब किसके हैं? वो खेत में जाता है। ऐसा लगता है इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी हम खुद ही छोटे से थे, कैसे हमारे बच्चे इतने बड़े हो। जब हम यहाँ आते थे तो वापस जाने का दिल नहीं चाहता था। और यकीन मानिए आगे तो यहाँ पर हम लोग आए हैं गाँव में और अपनी नानी की मम्मी के घर यानी हमारे पर नानी के हम लोग आए हैं। जब वापस जाना होता था रो करके वापस जाते थे, रोते हुए वापस जाते थे। चलो चलो आलिया उतरो। और इस तरह से बच्चे फर्स्ट टाइम इस तरह से सीढ़ियों से ऊपर चढ़े हैं। एक्चुअल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए इन्होंने पुरानी जो इनकी सीढ़ियां बनी थी उसे तुड़वा दिया है। सीढ़ी को पैर से आगे की तरफ पुश मत करना। नई सीढ़ियां बनवा रहे हैं, मतलब ये ऐसे आगे मत पुश करना। तो यहाँ जूही अपनी आलिया को गाइड कर रही है कैसे उतरना है। आलिया के बाद मेरी चांस है तो इसलिए अभी ये टेम्परेरी सीढ़ी लगी हुई है। और ये दोनों देखिए किस तरह से उतर रही हैं। पकड़ी हूँ आओ। तुम क्यों चढ़ रही हो? लेकिन आराम से मैं उतर गई। मैं इधर जो ही अभी हम लोग को यही गाइड कर रही है। इजी है वैसे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये चूजों और मुर्गी के साथ पूरी तरह से खेलने में लगी हुई है और हमने तो आज तक नहीं पकड़ा है, हमने हाथ से कभी इसको टच नहीं किया। और आलिया ये कर सकती थी ये हम सोच नहीं सकते। तो बस इधर रोड क्रॉस करके उस साइड भी हमारा खेत है तो बच्चे वो देखने जा रहे हैं। उधर ईदगाह है और उसके पास एक तालाब है तो वो हमसे हमेशा से सुनते आए हैं कि इधर बहुत ही अच्छा लगता है तो उन्हें हमेशा से क्रेज था कि हम भी जाएं हम भी देखें। कभी जाते तो अक्सर थे लेकिन टाइम नहीं रहता था जाने का। बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए तो आज जाकर के उन्होंने इसे भी देख लिया थोड़ी देर के लिए। सही तो हम तो नहीं गए थे, हमारी कजिन जो है वो लेकर के गई थी। और ये दोनों हमारे कजिन हैं। अब तो यहाँ पे बहुत कम लोग बचे हैं, ज्यादातर सब बाहर निकल गए हैं। बड़े बूढ़े लोग ही यहाँ पे बचे हुए हैं, बच्चे तो सब बाहर ही चले गए हैं। ये पानी नहीं, ये साफ है। ये पानी? हाँ, ये तो बंदा है। और वो गांव जो होता है वो पुराना वाला गांव भी अब नहीं रह गया है। देखिए कितनी सीधी सादी जिंदगी है, ये लोग ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड कर देते हैं। कोई फैसिलिटी नहीं है फिर भी ये खुशी खुशी रह रहे हैं।
तो बच्चे वहाँ से वापस आ गए हैं और हम जब तक यहाँ पर अपने मामू के यहाँ आ गए थे जो अलीगढ़ से आए हुए हैं। तो ये हमारी नानी के बहन के बेटे हैं। तो नानी ने अपनी नानी से इन्होंने ये जमीन ले ली थी और यहाँ पर इन्होंने अपना मकान बना लिया है। तो बस अब सबको बाय करने का टाइम आ गया है क्योंकि रास्ते में जैसे कि आपको हमने बताया था कि जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है, रश बहुत ज़्यादा है, तो बस अब निकलना होगा। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। बहुत कुछ याद आ रहा था, कितने भी बड़े हो जाएं पर ननियाल छोड़ते वक्त आंखों से आंसू जरूर आ जाता है। पर खुशी इस बात की है कि बीच बीच में हस्बैंड जो हैं वो ले आते हैं, सबसे मिलवा देते हैं। तो ये देखिए स्ट्रीट पे साइड में दोनों साइड आप देख सकते हैं मेले की कितनी रौनकें हैं, मंदिर सजे हुए हैं। ये गुरुद्वारा है, कभी इंशाल्लाह अंदर से हम आप इसे दिखाएंगे आपको जरूर। और ये देखिए कितना सीधा साधा सिंपल सा इन लोगों का मेला है। गांव के लोग इसी में खुश हैं, सीधी सादी लाइफ में। और यहाँ हमारे पास जितनी भी चीजें हैं फिर भी कम है। वहाँ की बातें करते हुए सारी रास्ते हम लोग आए, रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। बच्चों को आकर के यहाँ पर रुकना है, स्टे करना है, इसलिए बच्चों से पापा से वादा करवाया कि हमें फिर से लेकर के आइएगा और हम यहाँ रुकेंगे। तो इंशाल्लाह मौसम जब अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता है अभी थोड़ी देर तो अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे रात में स्टे नहीं कर सकते हैं। वैसे तो सारी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन रात में रुकना इम्पॉसिबल है। तो मौसम जब अच्छा रहेगा, थोड़ा ठंड हो जाएगी, तब बच्चों को लेके ज़रूर आएंगे। और फिर तंजिया को यहाँ पे पनीर वाली जलेबी खानी थी, जलेबी क्या इमरती लेनी थी। तो यहाँ पर राजस्थान स्वीट्स है ट्रांसपोर्ट नगर के पास, तो वहाँ से तंजिया कभी अपने मामू के साथ आई थी तो यहाँ से उन्होंने लिया था, तो यहाँ पर वो ले रही हैं। तो पहले भी हमने बताया है आपको कि तंजिया को मीठा बहुत पसंद है, तो ऐसी चीज़ें वो याद रखती हैं कहाँ क्या मिलता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये पनीर की जलेबी। और फिर इसके साथ आने में काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग वहाँ से 6:30 के ऊपर हो रहा था जब निकले हैं और ये आते आते हम लोगों को 8 बज गया था। तो यहाँ से हम लोग सीधे अपने तंजिया के बड़े डैडी के घर आए क्योंकि उन्हें 2-3 दिन से फीवर आ रहा है और कई दिन से हम उनके पास आए भी नहीं थे, तो ये हुआ पहले उनसे मिल लेते हैं। तो यहाँ जब आए तो बारिश शुरू हो चुकी थी, अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें ही पड़ रही हैं पर थोड़ी देर के बाद बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। और फिर यहाँ पर जब हम आए तो फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का।
तो उसके बाद हम आ गए तो आलिया आ चुकी है होबीजा। तो इस तरह से हमने अपना डिनर यहाँ पे आके एंजॉय किया। सोचा तो नहीं था कि यहाँ आना है, लेकिन एकदम से प्रोग्राम बन गया। फिर भाई की फैमिली और हमारी फैमिली, हम दोनों लोग यहाँ पे आ गए। और ये है नुमान, होबीजा के ओनर। इसकी एक ब्रांच हमारे यहाँ जॉर्ज टाउन में भी है। तो अगर कभी आप यहाँ आए नहीं, हम पहले भी आपको शेयर कर चुके हैं, अगर आप पहले कर नहीं आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। तो आई होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आपने हमारे साथ भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा की होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।